रेडी छू। हाँ बोला। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद। हमरा म्यूट के राज भाई तुम्हें बोल दियो नहीं जोड़े। हाँ जय सच्चिदानंद। चालू जय करो। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी चालू करो। बोलो। जय सच्चिदानंद। बोलाओ जो राज। हाँ सर। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो हरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आय रियाणम। नमो आय रियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सवसाहुणम। नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पाव प्रणासनो। सव पाव प्रणासनो। मंगलानं च सव्येषिं। मंगलानं च सव्येषिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलो पूछो। जितेंद्र भाई ने छे। जितेंद्र भाई बोलो। जितेंद्र भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलो। जय मेशानंद पंतिकाना। जय सच्चिदानंद। हाँ आवाज कट थाई छे। बोलो जितेंद्र आनंद जी। जितेंद्र भाई आयु। हाँ आयु। आवाज आयो। आवे आवाज आयो। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी શાસ્ત્રમાં આધારે આખું જગત ક્રમ નિયમિત પર્યાય એના આધારે ચાલે છે, જે ઘટી રહ્યું છે એ બધું વ્યવસ્થિત છે, એટલે જે લખેલું છે જે વિધિ લિખિત છે એ જ તમારા જીવનમાં થવાનું છે, એટલે બધું પર્યાય છે, નિમિત્ત છે, આ બધું પહેલેથી વેલ ડિઝાઇન જ છે, એટલે આનું તૈયાર થયેલું મોડેલ છે. તો પછી એના પછી આ પુરુષાર્થ પ્રારબ્ધ પછી વ્યવસ્થિત આની કઈ રીતે ગોઠવણી કરવાની? હવે આ હિન્દી નો સત્સંગ છે કે ગુજરાતી નો છે? હિન્દી. ઓનલી હિન્દી. હિન્દી તો હિન્દી મેં બાત કરો. દુબારા પૂછીએ રાજજી. એ જો શાસ્ત્ર મેં કોણ સે શાસ્ત્ર મેં લિખા હૈ? એ શાસ્ત્ર સમયસાર કુંદ કુંદ આચાર્ય ઇસમે ગાથા હૈ. બરાબર. સબ જો જીવન હૈ વો સબ ક્રમ નિયમિત પર્યાય કે આધાર પર ચલતા હૈ. બરાબર. ક્યોંકિ પહેલે સે હી સબ યે તુમ્હારા જીવન હૈ ડિસાઇડ રહેતા હૈ. પ્રારબ્ધ પુરુષાર્થ ઓર યે વ્યવસ્થિત ઇસકી કઈ રીતે કૈસે ગોઠવણી? યે જો હૈ ને યે જો હૈ યે જિસકો આત્મજ્ઞાન મિલ ગયા ઉસકે લિયે હૈ. યાને જિસકા અહંકાર મમતા ચલા ગયા ઉસકે લિયે ક્રમબદ્ધ પર્યાય હૈ. लेकिन जिसका अहंकार ममता चला नहीं गया उसके लिए क्रमबद्ध प्रक्रिया नहीं है. राजेंद्र भाई. जितेंद्र भाई. जितेंद्र भाई. जितेंद्र भाई. जितेंद्र भाई कहां से बोल रहे हैं? सतारी. सतारा जी. महाराष्ट्र सतारा. आप पहचान लिया सतारा. मैं आया था वहां, आपके वहां आया था जितेंद्र सिंह. बराबर है. ओ, ये जो श्रीमद अपने ये अपने कुनकुंदाचार्य ने समय सार में लिखा है ना, तो जिसको आत्मज्ञान हो गया है यानी अहंकार ममता चला गया है इसके लिए ये क्रमबद्ध पर्याय है. लेकिन सभी को आत्मज्ञान नहीं हुआ है, सभी अहंकार और ममता के हिसाब से चलते हैं, तो वहां क्रमबद्ध पर्याय नहीं है. जितेंद्र भाई बात समझ में आया कि नहीं आया? भी लास्ट टाइम नहीं है, कम डिस्कनेक्ट हो गए.
और पूछो, और किसे पूछना है, किसे पूछना है प्रश्न? किसी को प्रश्न है? मोनिका बहन बोलिए। हाँ मोनिका जी बोलो। अव्यावाद स्वरूप और अच्युत का मतलब क्या होता है? चरण विधि में है ये। तो ये मोनिका जी, ये जान के आपको क्या फायदा होगा? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें वो चीज समझ में अच्छे से आ जाती, बस ये रहता है। तो ये आपको, आपको ज्ञान लिए कितना साल हुआ? अभी 8-10 साल। हाँ तो ये सब ये बातें हुई है कि नहीं हुई आपके साथ? नहीं हुई मेरे साथ, नहीं हुई मेरे साथ। मैंने आपके साथ बात किया है। अव्यावाद मैंने आपको बात किया है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन ये आपको दरअसल प्रश्न है, ये शब्दार्थ करने का बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आपके सामने कोई फेस, कोई भी संयोग आते हैं उसको क्या फेस करते हैं वो पूछना है। ठीक है, आप अव्यावाद जान लेंगे, अच्युत जान लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। मोनिका जी बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में। तो आपके सामने जो भी संयोग आते हैं उसमें आपको क्या रहता है? संयोग वो रहता है, स्पष्ट नहीं रहता कभी कभी। उसके बारे में बताओ कि क्या है। ठीक है, ठीक ठीक, जैसे हाँ आया समझ में। जैसे मैं अपने बच्चों के साथ यही होता है कि मेरी बहुत ज्यादा टकरार हो जाती है। बराबर है, सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ टकरार होती है। और हमेशा ये रहता है कि तुम लोग मेरी बातें समझते नहीं हो। बराबर है। तो ये बच्चों के साथ टकराव क्यों होता है? मैं आपको प्रश्न करता हूँ, क्यों टकराव होता है? वो अपनी मन मर्जी ज्यादा चलाते हैं। तो कि ये वाक्य सही नहीं है? ठीक, वो अपनी मन मर्जी नहीं चलाते है, लेकिन ये टकराव क्यों होता है? तो सही मायने में आपके बच्चे हैं? नहीं। तो सही मायने में आप उसके मदर हैं? नहीं। लेकिन टकराव क्यों होता है कि सही मायने में मैं उसकी मदर हूँ और सही मायने में मैं, ये मेरे बच्चे हैं, उस हिसाब से टकराव होता है। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। हाँ। दादा भगवान की किताब एक साधु महाराज को मिला था, बहुत बढ़िया साधु थे और बहुत विचक्षण थे। तो उसको दादा की आप्तवाणी मिली और आप्तवाणी पढ़ी तो उसको लगा कि ये तीर्थंकर की वाणी है, तो ये व्यक्ति को मेरे को मिलना है। अब जैन साधु थे तो कार में बैठ के जाने का वो नहीं था उसका, मोना जी। तो उसके जो जो श्रावक श्राविका था उसको ये एड्रेस दिया और फिर इंक्वायरी या तपास करने का बोला भी कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। हाँ। वो घर पे है कि घूमते हैं कि क्या है, वो सब पूरी इंक्वायरी करके आना। तो उसके जो श्रावक जो है, जो श्राविका है, उसने सब इंक्वायरी किया और रिपोर्ट दिया। अब उसने जो रिपोर्ट दिया वो न्यूट्रल ने दिया, ओपिनियन वाला रिपोर्ट दिया। भी आप बोलते कि भी ये जो किताब में जो बानी लिखी है तीर्थंकर की बानी है, लेकिन उसके बाद हम गए। हाँ। तो वो घर गृहस्थी वाला आदमी है, उसकी बीवी भी है, समझ में आया ना? रात्रि भोजन भी करते हैं, कच्चा पानी भी पीते हैं, कंदमूल भी खाते हैं, बाहर घूमते हैं तो गाड़ी में घूमते हैं, चमड़े के बूट पहनते हैं, लेकिन ओपिनियन के साथ उसने, वो श्रावक श्राविका ने साधु महाराज को ये पूरा रिपोर्ट दिया। अब फिर भी उसने ये किताब पढ़ी थी और उसको लगा कि तीर्थंकर की वाणी है तो मेरे को मिलना है। तो पहला रेफरेंस जो था उसका, तो उस हिसाब से फिर उसने फोन किया। तो योगानुयायी ये फोन मेरे को अटेंड करने का और फिर मेरे को उसको लेने जाना हुआ था। अहमदाबाद में उस्मानपुरा में उपाश्रम में आए थे, वहां से फिर वो
चॉइस है, जो शीतल बाग जो केसी भाई के सिस्टर के घर घर पे दादाजी ठहरे थे 79 की बात है, तो मैं लेने गए विहार करके उसको लेके आया, तो रास्ते में मेरे को ये सब बताया उसने। जब मैंने ये आप्तवाणी पढ़ी तो ये तीर्थंकर की वाणी है, लेकिन हमारा श्रावक श्राविका ने सब वो रिपोर्ट दिया तक भी ये तो संसारी है, शादी किया है, बहू वाइफ है, गाड़ी में घूमते है, चमड़े का बूट पहनते हैं, धंधा करते हैं, रात्रि भोजन करते है, कच्चा पानी पीते है, कंदमूल खाते है, तो हिंसा का दोष नहीं लगेगा। मैंने बोला अभी आपने ये इसकी तीर्थंकर की वाणी है से लगा, तो आप मेरे को पूछेंगे तो जवाब सही आएगा कि ये दादाजी को पूछेगा तो सही जवाब मिलेगा। बोला कि नहीं मैं दादाजी मेरे को आप दादाजी को पूछना, तो फिर उसने वहां दादाजी को पूछा कि हमारा जैनों में तो ऐसा है कि दादा भगवान किसको बोलते हैं, तो भी वो संसारी नहीं होना चाहिए, शादी शुदा नहीं होना चाहिए, धंधा नहीं करना चाहिए, गाड़ी में घूमने वाला नहीं होना चाहिए, चमड़े का बूट नहीं पहनने हुए, रात्रि भोजन नहीं करे, कच्चा पानी नहीं पीवे, ये सब सबको हमारे धर्म में हिंसा बोला जाता है, तो आपको हिंसा का दोष नहीं लगेगा। तो दादा ने ये पूछा तो दादा ने बोला कि हमको हिंसा का दोष नहीं लगेगा। तो साधु महाराज ने बोला कि क्यों नहीं लगेगा, तो कि मैंने मालिकी का दस्तावेज फाड़ के फेंक दिया है 25 साल से, उस हिसाब से मेरे को हिंसा का दोष नहीं लगेगा, आपको लगेगा। फिर दादा एक दो मिनट मौन रहे, कुछ बोले नहीं, उसके बाद फिर अलर्ट हो गए और ऐसे हाथ ऊपर करके वो साधु महाराज के सामने हाथ अंगुली किया कि ये हाथ किसका है, तो साधु महाराज ने हाथ के ऊपर हाथ रखा और बोला मेरा हाथ है। फिर दूसरा प्रश्न किया ये पैर किसका है, तो पैर के ऊपर साधु महाराज ने हाथ रखा और बोला कि ये मेरा पैर है। फिर तीसरा प्रश्न किया कौन बोल रहे है, तो मैं बोल रहा हूँ, आपको हिंसा लगेगा, मेरे को हिंसा नहीं लगेगा, मैंने 25 साल से मालिकी का दस्तावेज फाड़ के फेंक दिया है, तो ये क्या कहना चाहते हैं मोना जी? जो मेरा मालिकपन है जो मैं दिखा रही हूँ, तो बच्चे को क्लेशेस क्यों होता है, मेरा बच्चा है हाँ, और मैं उसकी माँ हूँ, इस हिसाब से क्लेशेस होता है। आया समझ में, बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए रिलेटिव व्यू पॉइंट से है कि रियल व्यू पॉइंट से बच्चे हैं? रिलेटिव पॉइंट से। और आप रिलेटिव व्यू पॉइंट से मदर है कि रियल व्यू पॉइंट से मदर है? रिलेटिव पॉइंट से। अगर रिलेटिव व्यू पॉइंट से तो फिर झगड़ा कहाँ रहा, क्लेशेस कहाँ रहा? और क्लेशेस है तो वही हाँ। बताता है कि आप मालिकी भाव है, यानी ये आपको ये बात समझ में आती नहीं है, और मेरा बच्चा है बिगड़ जाएगा, कोई है नहीं हाँ, मैं ध्यान रखूंगा, क्या रखूंगा तो आगे उसकी लाइफ बनेगी, और नहीं रखूंगा तो ये बिगड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये माहौल ऐसा है, ये कलयुग हाँ, है हाँ, ऐसा ही भाव रहता है। मोना जी बात समझ में आ रही है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये सब अपना अपना नसीब लेके आया, हाँ अपने को केयर लेना है, लेकिन ममता के साथ केयर नहीं लेना है, आसक्ति के साथ केयर नहीं लेना है, अपने स्वरूप में बैठ के फिर व्यवहार जो भी करना है वो सब करना ही है, लेकिन आप मौना जी में बैठ के करेगा तो फिर क्लेशेस होगा। ममता रहित होके कैसे मैं वो करूं, वो नहीं होता है। नहीं वो तो आप अच्युत जानेंगे, वो जानेगा तो ममता रहित कैसे होगे? ममता रहित नहीं होता है। आपको आपने ज्ञान लिया कि नहीं लिया है? हाँ दीपक भाई से लिया था। हाँ बराबर है, लेकिन ज्ञान तो लिया है कि नहीं लिया है? लिया है। फिर विधि नियमित होती है कि नहीं होती है? होती है। तो फिर ये विधि क्या सूचित करता है? विधि यही सूचित करता है कि आप रियल में शुद्ध आत्मा हो। हाँ आप शुद्ध आत्मा है, सही माने में मोना जी नहीं है हाँ। बाय रिलेटिव पॉइंट से मोना जी हूँ और बाय रियल पॉइंट से शुद्ध आत्मा हूँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, यानी आपका ममता भाव आसक्ति भाव निकल गया।
अच्छा ठीक है, दरअसल निकल गया। बाकी दिखने वाला व्यवहार तो ममता वाला रहेगा ही। हाँ। समझ में नहीं है? आया आया समझ में। दिखने वाला तो रहेगा, वो ड्रामेटिकली हो गया। आप अपने आप को पहचान लिए और मोना हाँ। जी को पहचान लिया, व्यवहार वही का वही रहेगा लेकिन वो ड्रामेटिकली हो जाएगा। इसको ममता नहीं बोला जाता है, उसको आसक्ति नहीं बोला जाता है, इसको तन्मयकार नहीं बोला जाता है। मोना जी बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, बिल्कुल आ गया समझ में। मान लो कि आप कलाकार है। हाँ। तो कलाकार में आपको जोधा जोधा अकबर पिक्चर है उसमें जोधा का रोल मिलता है। तो वो उसकी रानी आप बनते है, बात समझ में क्या नहीं है? हाँ। और वो राज की वो आपकी रानी बोला जाएगा लेकिन वो ड्रामा हाँ। के लिए है कि ओरिजिनल है? आप वो जोधा है तो ड्रामा है, ड्रामा हो गया। बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं मोना जी हूँ, बाय रियल पॉइंट से शुद्धात्मा और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, ये ड्रामा हो गया। कहाँ आसक्ति रही, कहाँ ममता रहा? नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। आपकी बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आ गया, बिल्कुल अच्छे से आ गया समझ में। बराबर है। विनोद जी क्या बोलते है? अनम्यूट करो। काफी ऐसा डिफिकल्ट लगता है कि जब घर के रिलेशन है उसमें बहुत क्लोजली होता है, पूरा काफी टाइम उनके साथ में जाता है। तो काफी जो ड्रामेटिक होना में थोड़ा मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है। ड्रामेटिक होने में मुश्किल लगता है, लेकिन ड्रामेटिक होने में मुश्किल नहीं है, खाली ये समझना जो है वो समझ नहीं है और दूसरे व्यवहार समझने जाते हैं। ये तो जीवित दाखला है दादा भगवान का, कि नहीं दाखला है? जीवित, हाँ जीवित दाखला है। दादा ने किताबी बात बताई कि पूरा जीवित दाखला है दादा का? नहीं, उन्होंने जीके दिखाया। आपके माफी को शादी शुदा थे? हाँ। आपके माफी को बिजनेस करते थे और उसको भी ऐसे धोखाधड़ी विश्वासघात हुआ है, सब व्यवहार हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। उसके उसके वहां जन्म हुआ ना, बच्चों का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन उसने कैसे लिया कि मेहमान आया और मेहमान चला गया? समझ में आने देखिए, ये आपके घर गृहस्थी में ड्रामेटिकली व्यवहार करने में वैसे ही करने जाना नहीं है, ये केवल समझना है। दादाजी ने क्या बताया कि घर यानी कर्मों खपाने वाली दुकान, लेकिन आपके भीतर बाहर ऐसा है कि घर यानी कर्मों खपाने वाली दुकान है? नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर कैसे वो ड्रामा होगा? विनोद जी हाँ बराबर, कर्म खपाने वाली दुकान मतलब एक जो फाइल बोला है वही हो गया ना, कि फाइल हो गया। तो ये आपको ड्रामेटिकली व्यवहार करना है तो ये पहले बेसिक समझना कि घर यानी कर्म खपाने वाली दुकान, लेकिन आपके बिलीफ और बिहेवियर में वो है ही नहीं कि घर यानी कर्म खपाने की दुकान। विनोद जी बात समझ में आया कि नहीं आया? बराबर, बिलीफ में तो ऐसा है कि या तो हम मालिक है या तो उस तरफ आसक्ति है, ऐसा है मतलब फैमिली मेंबर्स में। अपने तो क्या है, अपने को दुष्टों का नाश करना है कि दुष्टता को नाश करना है? नहीं, दुष्टता। तो दुष्टता है तो एक दुष्टता कहाँ है, सामने है कि यहाँ है? अंदर, सामने। दुष्टों को नाश करना यानी सामने आता है, दुष्टता का विनाश करना तो भीतर आता है। ये प्रॉब्लम अपने आप खड़े करते हैं कि कोई दूसरा खड़े करते हैं? खुद ही हम ही करते हैं। तो वहां समझ लेना है, इस हिसाब से तो सत्संग है।
क्या बोलते हैं विनोद जी? नहीं बराबर है, सामने नहीं पर अंदर देखना है पहले। हाँ तो ये दुष्टता है कहीं ना कहीं, वो जो सामने वाला संयोग है वो संयोग को आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। दादा ने क्या किया कि पहले जैसे पहले सभी एक मन वाले थे, तो दादा ने कैसा कैसे वो संयोग को लिया कि भाई पहले सतयुग था तो घर में गुलाब है तो सारे कुटुंब परिवार वाले गुलाबी होते थे, यानी हजारों माइल तक गुलाबी रहते थे। अब कलयुग कलयुग कैसा है तो कि कलयुग बगीचा जैसा है, तो कि इतनी छोटी जमीन है लेकिन इतनी छोटी जमीन में कितने अलग अलग जो फ्लावर्स है वो उगते हैं, वो चमेली है, मोगरा है, चंपा है, गुलाब है और कांटा भी उगते हैं। लेकिन कलयुग को कैसे उसको इफेक्ट रहित किया, आसक्ति रहित कैसे किया, देखिए कलयुग में कैसे जगत के जीव कैसे है बगीचा जैसे है, और सतयुग में कैसे जीव है देखिए खेतरा जैसे है, और कलयुग में क्या किया देखिए ये जगत के ये सब संयोग कैसे है देखिए बैंड है, तो बैंड में एक होता है कि अलग अलग चीज होती है विनोद जी? नहीं सब अलग अलग होते हैं। तो ये बैंड वाले को एक आता है तो बैंड में मजा आता है? नहीं सब अलग अलग बजेगा तभी पूरा बैंड का तो अलग अलग बजेगा कितनी अच्छी म्यूजिक बनती है। बराबर। तो देखो दादा ने जो अंदर दुष्टता वो निकाल दी, दुष्टों को निकाला नहीं है। बराबर। वो आसक्ति निकाल दी। बराबर। और अपने तो क्या करते हैं दुष्टता नहीं निकालते, दुष्टों को निकालते हैं। यानी शादी किया तो शुरुआत में वो मीठा लगा और फिर बाद में खारा दऊ जैसा लगा, तो लाड़ी वाड़ी गाड़ी छोड़ के हिमालय में जाके लंगोट लगाया, तो आपने अपनी दुष्टता नहीं निकाली, दुष्ट जो दुष्टो है उसको निकाला है। तो ये रॉन्ग बिलीफ है, तो प्रॉब्लम वहां है। तो आपको दादा बोगो ने ज्ञान दिया तो बाय रिलेटिव रूपण से मैं विनोद जी हूँ, बाय रियल पण से शुद्धात्मा हूँ और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है। तो ये दृष्टि आपकी सही हो गई तो ड्रामा करना पड़ेगा कि ड्रामा चालू हो गया? दृष्टि के साथ में चालू हो गया, जैसे दृष्टि सही हो गया। अलग अलग तरीके से ड्रामा करने का नहीं होता है। बराबर। मोना जी बात समझ में आया? बोलो और पूछो। आपको प्रश्न है तो पूछिए। नहीं है अब नहीं है। और पूछो। जितेंद्र जी, जितेंद्र सा आ गए? नो है लेकिन वीडियो ऑफ है। हाँ ऑफ है। जय सच्चिदानंद। जय सत्यानंद। बोलो सच्चिदानंद। जैसे ज्योति ज्योति नाइजीरिया। हाँ नाइजीरिया लागोस ज्योति जी। जय सच्चिदानंद। जय सत्यानंद। बोलो क्या है? जब भी संजोग आता है तो कभी कभी नहीं रहता है ज्ञाता दृष्टा। बराबर है। और जो मीन्स लेना चाहिए, जैसे संजोग जैसे आते हैं तो उसमें मुझे लेना चाहिए, वो मैं उसका बेनिफिट ले नहीं पाती हूँ। बराबर है। क्योंकि खिसक जाती हूँ ज्ञाता दृष्टा देखने से। बराबर है। और फिर बाद में थोड़े टाइम में ले जैसे तप मैंने मिस किया तो मुझे फिर बाद में दिखाई देता है कि वो जो तप मिलना था मैंने वो लिया नहीं। बराबर है। तो लेना चाहिए था। बराबर है। लेकिन बाद में रियलाइज होता है। हाँ क्या क्या कब रियलाइज होता है? बाद में हो जाने के बाद में रियलाइज होता है। बराबर है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बाद में हो जाने के बाद होता है तो बहुत बड़ी बात है, डेवलपमेंट बोला जाता है। और वो दिखाई देता है कि ममता ज्योति में है और लालच भी है। हाँ वो सब दिखाई देता है। तो ये सब ममता लालच किस में है?
अशोक जी में है, ज्योति में है, कि फिर वो अपने कौन है, बच्चे का नाम क्या है, बाद में दिखाई, वारिस, वारिस में ममता है, लालच है, कि ज्योति में है, ज्योति में है। हाँ तो ज्योति में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज्योति है कि शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा जब खिसक जाती हूँ बाद में रियलाइज होता है, वो खिसक नहीं जाते, आप शुद्धात्मा है, ज्योति में तो रहेगा ही। अच्छा, ज्योति में तो रहेगा, उसका उसका क्या बोलते है मन वचन का कि टेवो, और उसके स्वभाव को मैं जानता हूँ, और मेरे स्वभाव को मैं जानता हूँ, बाद में दिखाई देता है वो जाने के बाद, वो बाद में दिखा नहीं, वो करने वाला अलग है और देखने वाला अलग है, दोनों, वो बाद में नहीं दिखता, एक ही समय में दिखता है, करने वाला देखना देखता नहीं और देखने वाला करता नहीं, यानी एक ही समय में दो दिखता है, लेकिन आपको आपको क्या है कि ये मेरे को निकालना है, उस हिसाब से लगता है कि बाद में दिखता है। जब उसमें जब मैं ज्योति में चली जाती हूँ तो मैं दिखता, नहीं आप ज्योति में जाते ही नहीं है, ये तो दाता दादा का ज्ञान की इमेजिंग किया है, करने वाला और देखने वाला एक होता है कि अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग ही है, तो देखने वाला कभी करने वाला नहीं बनेगा और करने वाला कभी देखने वाला नहीं बनेगा। फिर अपने से बात करती हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ज्योति तू ऐसे क्यों हुआ, अपने से बात ही नहीं करने का है, इतना प्रिंसिपल समझना है कि करने वाला का स्वभाव देखने वाला नहीं है और देखने वाला का स्वभाव करने वाला नहीं है, तो ये अपने आप अलग हो गया। अच्छा ज्योति जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आया। जैसे सेंटर होता है और सर्कल एक होता है कि अलग होता है? एक ही होता है। नहीं, सेंटर अलग होता है, सर्कल अलग होता है, दिखते में लगता है कि एक है। हाँ हाँ, समझ में आने, लेकिन सेंटर अलग है और सर्कल अलग है। अच्छा, तो करने वाली ज्योति है और देखने वाला जानने वाला आप है, तो देखने वाला जानने वाला कभी भी करने वाला नहीं बनता, और जो करने वाला कभी देखने वाले जानने वाले नहीं बनते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे मैं कुछ नहीं करने जाती हूँ तो एकदम से लाइट लगता है कि सब हो रहा है, और कभी कभी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ तो सब लगता है कि बहुत सफोकेशन है। बराबर है, तो के यहाँ ज्योति जी बहुत बात समझना है कि जो चीज के आप करने वाले है इसमें करने जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ। लेकिन आपको सफोकेशन आता है तो आप जो चीज के करने वाले नहीं है उसके कर्ता बने हैं, उस हिसाब से सफोकेशन प्रॉब्लम आता है, तभी हो जाता है। ज्योति जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया। करने वाला आप है ही नहीं, वो चीज में करने वाले बन जाते हैं, बात समझे समझे वाले हैं, जो चीज के करने वाले उसमें करने वाला नहीं बनते, उससे ये प्रॉब्लम आता है। मैं उसको एक दृष्टांत से समझाता हूँ ज्योति जी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी H2O इकट्ठा होता है तो क्या होता है, कोका कोला और पेप्सी होता है कि क्या होता है? ज्योति जी, क्या बोला? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी H2O और वातावरण इकट्ठा होता है तो कोका कोला बनता है कि पेप्सी बनता है? पानी, पानी चौकस, कोका कोला पेप्सी नहीं बनता है? नहीं नहीं। हाँ, तो अभी मैंने बोला कि भाई H2O और वातावरण इकट्ठा होता है अशोक जी, तो पानी बनता है, कोका कोला पेप्सी नहीं बनता, तो ये व्यवहार क्या कि आपको मैसेज देना चाहता है? यही मैसेज देना चाहता है कि शुद्ध आत्मा में रहना चाहिए, बाकी सब जो है। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं कहना चाहते शुद्ध आत्मा में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहते, सब अपने अपने स्वभाव में है, तू तेरे स्वभाव में नहीं है, बस उतना कहना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सब अपने स्वभाव में नहीं है, तू तेरे स्वभाव में नहीं है, बस उतना ही कहना चाहते हैं। अब ये समझ में आ गया कि H2O और वातावरण इकट्ठा होता है, पानी बनता है, कोका कोला पेप्सी नहीं बनता है, यानी सब अपने अपने स्वभाव में, तो फिर करना कर्ता बनने की जरूरत कहाँ रही? नहीं, अपने अपने अदृष्टा हो जाएंगे।
लेकिन आपने उस तरह की उस तरह की साधना ही नहीं किया है, उस तरह की आराधना ही नहीं की आपने। अच्छा, H2 और वातावरण इकट्ठा होता है तो पानी होता है, और कुछ दूसरा होता ही नहीं है। यानी सारा जगत अपने स्वभाव में है, ज्योति जी और अशोक जी अपने स्वभाव में नहीं है। तो उसमें ये मैसेज नहीं आता कि अपने ज्ञाता दृष्टा में रहना है। ज्ञाता सब चालू हो जाता है, अपने आप चालू हो जाता है, अपने आप चालू हो जाता है। सही समझ आ गया। बहुत सी जगह पे ज्योति जी आपको लगता है ना कि ये आदमी मेरे को काम में आएगा और ये आदमी मेरे को काम में नहीं आएगा, ऐसा है कि नहीं आपको भीतर और बाहर? हाँ, आता है। तो फिर ज्ञाता दृष्टा रहने में दिक्कत आएगी। हाँ। कोई भी आपको काम में भी नहीं आता है और कोई भी नुकसान नहीं करता है, भ्रांति है। जो काम में आता है वो आपका हिसाब है, उस हिसाब पे काम में आता है, और जो काम में नहीं आता है तो आपके साथ उस तरह का हिसाब है, उस हिसाब पे काम में नहीं आता है। लेकिन हिसाब के हिसाब से उसको करना पड़ता है, अपने आप नहीं करता है। तो ये समझ में आ गया तो फिर आपको किसी के आधार पे जिंदा नहीं रहेंगे। तो अभी ये सब ये सब देखना समझना बाकी है। तो बाकी आधार सब निकल जाएगा तो ये इस तरह का प्रश्न करेगा तो निकल जाएगा। अच्छा, उस हिसाब से दादाजी ने ये प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे बताया था, देखे बड़ौदा में 40-50 डॉक्टर इकट्ठा किए थे और प्रश्न किया था कि आपको टॉयलेट जाने की स्वतंत्र सत्ता है। तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि दादाजी ऐसे प्रश्न क्यों करते हैं, ये तो है ही नहीं। तो दादाजी ने वाक्य पूरा किया, देखे जब टॉयलेट रुकेगा तब पता चलेगा कि स्वतंत्र सत्ता भी है नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं है? तो तुरंत डॉक्टर ने क्या किया, सभी डॉक्टरों ने कान पट्टी पकड़ी। समझ गया ने? यस यस दादाजी, यू आर राइट। तो ये डॉक्टर ने कान पट्टी पकड़ी तो यहाँ प्रॉब्लम हो गया कि आगे कुछ कहना चाहता है? नहीं, कुछ नहीं। आगे कहना चाहता है कि ये डॉक्टर को मालूम है कि कोई दर्दी बीमार होता है या सर्जरी करते हैं तो एंटीबायोटिक आपसे देता है, तब टॉयलेट बंद हो जाता है तो वो एंटीबायोटिक दवा के साथ उसको टॉयलेट की दवा भी देते हैं। लेकिन यहाँ दादाजी ने पूछा तो बोला कि भाई दादाजी ऐसे प्रश्न क्यों करते, तो ये तो होता ही है ना, स्वतंत्र संन्यास जाने की टॉयलेट की सत्ता है ही। लेकिन जब दादा ने बोला कि रुकेगा तब पता चलेगा कि टॉयलेट जाने की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो ये दादाजी ने आंसर दिया तो यहाँ प्रश्न का समाधान हो गया। कि आगे कुछ कहना चाहता है ज्योति जी? आगे कुछ कहना चाहता है। देखिए डॉक्टर और दादाजी के बात हुआ, यानी दोनों की टॉयलेट जाने की सत्ता नहीं है। लेकिन ये नहीं कहना चाहते है सारे जगत के जीव मात्र को टॉयलेट जाने की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ज्योति जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अशोक जी बात समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ। अब ये आंसर दिया कि सारे जगत के जीव मात्र के टॉयलेट जाने की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तो यह आंसर पूरा होगा कि आगे भी कुछ कहना चाहता है? आगे भी कुछ कहना चाहता है। वो क्या कहना चाहता है कि भी सारे जगत के जीव मात्र को टॉयलेट जाने की सत्ता नहीं है, तो वो ऐसा कहना चाहता है कि किसी भी आदमी को आपको मदद करना है तो स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएगा, और किसी भी आदमी को आपको तंग करना है, हैरान करना है तो स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएगा। बात समझ में आने? तो फिर वो मोना जी बोलेंगे भी ये दादा भगवान के आप्त पुत्र है आप, और दादा की पार्टी पर बेरा जो है ना, और ये गलत क्यों बोलते हैं? देखो ये आदमी मेरे को मदद करता है, ये आदमी मेरे को मदद करता है, ये आदमी मेरे को नुकसान करता है। तो हमने बताया कि ये मदद करता है नुकसान करता है, जितना हिसाब है उतना ही मदद करेगा और जितना हिसाब है उतना ही नुकसान करेगा। ज्योति जी बात समझ में आया कि नहीं आया? वो व्यवस्थित में है, वही होगा।
और अशोक की बात समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ जी हाँ। तो ये यहाँ यहाँ पूरा हो गया, ये आंसर पूरा हो गया कि आगे कुछ कहना चाहता है? और भी है कुछ। लेकिन आगे कहना चाहता है कि भी ये जगत में जो है कोई करने वाला नहीं है, आपको दिक्कत होता तो आप ही जवाबदार है, और आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाता तो आप ही से प्रॉब्लम सोल्व होता है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। नहीं है, समझ में आने? तो जैसे कोरोना का आया तो आप भगवान का दिया बत्ती करेंगे, वो करेंगे नहीं, प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा। वो कोरोना निमित्त निर्दोष शुद्ध है, और आप अपनी गलती देखेंगे, अपनी गलती का आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करेगा तो प्रॉब्लम सोल्व होगा। क्यों? कि बिगाड़ने वाला भी आप है और सही करने वाला भी आप है, कोरोना वाला आपका बिगाड़ने वाला नहीं है। ज्योति जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ हाँ। वो जो व्यवस्थित मुझे देती है वो सब मैं ही हूँ। अब ये समझ में आ गया तो अभी कोई भी संयोग का कर्ता कितना रहेंगे? नहीं रहेगा। तो कर्ता नहीं रहेगा तो भोक्ता कितना रहेंगे? भोक्ता भी नहीं रहेगा। अब कर्ता भोक्ता नहीं है तो फिर ज्ञाता दशा में रहना पड़ेगा कि ज्ञाता दशा पढ़ना चालू हो गया? चालू हो गया, चालू हो गया, ये हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। समाधान हुआ कि नहीं हुआ ज्योति? पहले थोड़ा अभी ऐसे पहले ऐसे लगता था कि शायद मैं सीट से निकल जाती हूँ तो सब ये होता है, फिर वापस लेकर अभी ज्ञाता दशा जैसे एज इट इज हो रहा है, उसमें मुझे खाली ज्ञाता दशा रखना है, देखने का है, जो आ रहा है मुझे लेना है, जो जा रहा है। हैपनिंग जगत है, हैपनिंग जगत है, कोई करने वाला नहीं है, ये हैपनिंग जगत है, कोई करने वाला है तो फिर अपने अपनी सीट में से चले जाते हैं, लेकिन हैपनिंग जगत है, लेकिन ये पूरी ओर से समझना बाकी है। किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि आपको मदद कर सके यार आपको नुकसान कर सकते है, हैपनिंग जगत है। वैज्ञानिक सहयोगी संयोग इकट्ठे होते तब एक चीज बनती है। आप भाव में जाते हैं कि आप चोर है तो वही वापिस आता है। तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इकट्ठे हुए तब एक चीज बनती है, यानी कोई किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और आपका एविडेंस है वो तो लाइव एविडेंस है, चेतन है, लेकिन आप 99.99 तक देख नहीं पाते, धीरज नहीं है। हाँ, धीरज नहीं है, समझ में आया ना? तो आपसे फिर जितनी धीरज है उतना सही रहता है और बाकी का कच्चा पड़ जाता। सत्संग के जरिए ये आपको समझ लेंगे, 99.99 तक आप स्थिर रहेंगे तो आपका एविडेंस नहीं मिलेगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगा। 99.99 एविडेंस इकट्ठे हो गए, लेकिन आप एंडोर्स नहीं करेंगे कि मेरे को ज्ञाता दशा में मैं नहीं रहता, ऐसा नहीं बोलेंगे, वो अलग है और मैं उससे अलग हूँ, यानी ज्ञाता दशा चालू हो गए। जब संजोग आता है मीन्स धीरज नहीं रहता है, वो दिखाई देता है। दादाजी ने कैसे बताया? जगत में दो ही चीज है, आत्मा और संयोग। आत्मा परमानेंट है और संयोग टेम्पररी है। तो आपके सामने जो भी व्यवहार आता है संयोग है कि आत्मा है? संयोग है जो आता है। संयोग है तो वियोगी स्वभाव का, आपको वियोग करना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो आएगा और जाएगा। तो फिर ज्ञाता दशा चालू हो गया कि नहीं हो गया तो अलग करना कहाँ रहा? हाँ बात समझ में आया कि नहीं है? अब और दूसरा क्वेश्चन है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलो। त्रिभेशानंद जी, मारा घर में बधा कॉकरोच थई गया छे, बराबर, माखीओ आवे छे, तो बधा के पेस्ट कंट्रोल करो, पण मने एवुं मन मानतुं नथी। बराबर छे। आमां शुं करी शकाय? कोण बोलो छो? हुं दक्षेश बोलू, सिडनी थी। सिडनी थी दक्षेश, बराबर छे। तो सामान्य रीते तो आपणे जे रसोडामां आपणे जे खावानी वस्तु छे ने अलग ठेकाणे होवी जोईए, अने
જે નળમાં ને એની અંદર ખાલી પાણી જ જવું જોઈએ, તો જેનાથી કોકરોચ આ બધી વસ્તુ ના થાય તમારે. પણ એ છે ને બીજી જગ્યાએ ગરાજમાં થાય છે, રસોડામાં તો એટલા નથી થતા, બીજે થાય છે. હાલે સાફ સુફી જરૂરી બને છે, એ સાફ સુફી ત્યાં આગળ જરૂરી બને છે, પણ આપણે ઘણા ટાઈમ થી સાફ સુફી ના કરતા તો એ વસ્તુ બનીને ઉભી રહે તમારે. આપણે પેસ્ટ કંટ્રોલ બધા કરાવે અહીંયા, તો હું તો કરાવતો નથી, તો કરાવવું જોઈએ કે ના કરાવવું જોઈએ? તો કે આપણે ના કરાવીએ તો ઉત્તમ કહેવાય, પણ તમે સાફ સુફી જરૂરી બને છે. જેમ તમે દક્ષેશભાઈ રોજે રોજ જમો છો કે નથી જમતા? હા હા. એને રોજે રોજ નવડાવો છો કે નથી નવડાવતા? હા. કપડા હોય તો કપડા ધોયેલા પહેરો છો કે 6 મહિના 12 મહિનાના સાથે જ પહેરો છે? 6 મહિના સુધી તમારે ધોયેલા પહેરીએ છીએ. તો એ જેમ આ તમારું બધું બરાબર કરો છો, એવી રીતે આ બધું ઘર પણ સાફ સુફી કરવાનું, આગુ પાછું કરવાનું બધું. ખાલી દિવાળી આવે ત્યારે સાફ કરવાનું એવું ના હોય, તો પછી આ પેસ્ટ કંટ્રોલની જરૂર નહીં પડે. બરાબર. અને અત્યારે ધારો કે તમારું હશે તો તમારું અમુક બહુ સ્લમ એરિયામાં હશે કે જ્યાં તમારે ઉધઈ થાય કે બીજું થાય કે ત્રીજું થાય કે ખેતી જમીન હોય કે આ તે બધી વસ્તુ હશે. મેરા ઘર અચ્છે એરિયા મેં હૈ ઓર નયા જૈસા હૈ. ઓર લેકિન વો કૈસા હૈ કે નયા એરિયા ડેવલપ હુઆ હૈ યહાં. હા બરાબર હૈ, એરિયા મેં હૈ તો ઇસીલિયે આતી હૈ. ઘર તો અચ્છા હૈ, નયા હૈ. બરાબર હૈ. તો એ થોડી સાફ સુફી રખને કી આપણે આપણે કો એ વીકેન્ડ મે કે ભઈ જો ભી હોતા ને તો સાફ સુફી રખેંગે તો ફિર ધીરે ધીરે વો નહીં આયેગા. અચ્છા અચ્છા. ઓર એ પેસ્ટ કંટ્રોલ કા નહીં કરે તો અચ્છી બાત હૈ. અચ્છા. ફિર ભી જ્યાદા બઢ જાય તો ફિર ઉસકે ભીતર શુદ્ધાત્મા મે શુદ્ધાત્મા કો નમસ્કાર કરકે ફિર માફી માંગ કે કરને કા, લેકિન નહીં કરે તો અચ્છી બાત હૈ. તો એક બાર ક્યા હુઆ, મેરા પૂરા મેરા દૂસરા મકાન મે મેં રહેતા થા તો વહાં બહુત કોકરોચ હો ગયે. તો મેરી વાઇફ ને બોલા પેસ કંટ્રોલ કરતે, મેં બોલા નહીં કરના મેરે કો. બરાબર. તો ફિર મેં ઇન્ડિયા આયા થા એક મહિને કે લિયે. બરાબર. તો મેં ઘર બંધ કરકે આ ગયા. હા. ફિર મેં જાને વાલા થા ના તો કોઈ મેરા ઘર કિસી ને સાફ કિયા. હા હા. તો ઉસકો બહુત કોકરોચ મિલે મરે હુએ. બરાબર. તો હું મેરે કે પૂછને લગા કે આપને પેસ કંટ્રોલ કિયા થા? મેં બોલા નહીં, મેને તો કુછ નહીં કિયા. બોલે આપકે યહાં સે ઇતને કોકરોચ મિલે મરે હુએ, તો વો મરને હી વાલે હોંગે, ઓર મેને પેસ્ટ કંટ્રોલ નહીં કિયા તો અચ્છા હો ગયા. તો મેને ભગવાન સે પ્રાર્થના કી કે ચલો અચ્છા હો ગયા, કે મેરે હસ મેરા મેં નિમિત્ત નહીં હુઆ ઇસકા. બરાબર હે. બરાબર હે. ફિર ભી યે કોકરોચ વાલા ભાગે ને તો કહીને કે જો જો અપને સાફ સુફી રખની ચાહીએ વો નહીં હૈ. वो कभी कभी वो बाजू वाले से आ जाता है. हाँ, बाजू वाले से आता है, ऐसा नहीं है. ये अलग अलग संयोग आता है. जैसे ये अपने क्या बोलते हैं, खून चूसने वाला को क्या बोलते हैं? हाँ, माकड़ बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? हाँ मकड़ी. हाँ माकड़ माकड़ मकड़ी नहीं, मकड़ी जुदी, माकड़ बोलते हैं. माकड़. हाँ. तो वो कैसे बनते हैं? आपके पसीने से बनते हैं. अच्छा. તો એ જો કોકરોચ એ સબ અલગ અલગ એવિડન્સ હોતે હૈ, બગલ વાલા સે નહીં આતે હૈ. અચ્છા. દક્ષેશ બાત સમજ મે આયા કે નહીં આયા? ઉસ હિસાબ સે બનતે હૈ. તો કહીં ને કહીં વો સાફ સુફી રખની પડેગી, ઓર કહીં ને કહીં વો અપને ભીતર થોડા દેખના, નહીં તો દાદા કી વિધિ અચ્છી તરહ સે કરો તો ફિર યે સંયોગ નહીં આયેગા. વો કૈસી વિધિ કરને કી? કહીને કઈ જો અહંકાર વાળા ભાગ હૈ, સૂક્ષ્મ હિંસા હોતી હૈ, સ્થૂલ હિંસા નહીં હૈ લેકિન સૂક્ષ્મ હિંસા હોતી હૈ. તો જો સૂક્ષ્મ હૈ જે એને ક્રોધ મન માયા લોભ હોતા હૈ, તો ઇસસે યે હોતા હૈ તો ઉસકા આલોચના પ્રતિકરણ પ્રત્યાખ્યાન કરો તો એ કમ હો જાયેગા. અચ્છા. ઉસકા કોઈ સ્પેશિયલ વર્ડ્સ હૈ યા કુછ? એ અપને જ્ઞાન નિશ્ચય વ્યવહાર ચરણ વિધિ હૈ ને, વો નિયમિત રૂપ સે કરને કા, ઓર વો અપને કાનો કો સુનાઈ દે વો બડી આવાજ મે કરને કા, ઉસમે સભી આલોચના પ્રતિકરણ પ્રત્યાખ્યાન આ જાતા હૈ. અચ્છા અચ્છા. નિશ્ચય વ્યવહાર ચરણ વિધિ આપકો કરને કા,
तो आपका जो सूक्ष्म जो भी अहंकार है यानी जो जो क्रोध मान माया लोभ जो कसाई वाला भाग है जो नहीं दिखने वाला भाग है उससे ये सब होता है। अच्छा अच्छा बाहर अच्छा व्यापार व्यवहार है लेकिन भीतर व्यवहार सही नहीं है। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ सुबह में उठ के ये तो करता हूँ लेकिन 5 बार बोलता हूँ कि मेरे मन वचन काया से ये जगत के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो ना हो ना हो ऐसा। बराबर आपने ज्ञान लिया कि नहीं लिया आपने ज्ञान लिया कि नहीं लिया लिया मैंने तो ज्ञान में फिर ये इतना नहीं चलेगा ये जो दादा भगवान ने आज्ञा पूर्वक जो विधि दी है वो सभी करना पड़ेगा तो फिर ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। दवा नहीं छाटेगा तो भी सोल्व हो जाएगा। कहीं ना कहीं सूक्ष्म हिंसा है बराबर कहीं ना कहीं सूक्ष्म हिंसा है। ये बगल वाला से वहां से कॉकरोच नहीं आता है सूक्ष्म हिंसा है। अच्छा चारित्र मोह में है दर्शन मोह में नहीं है लेकिन चारित्र मोह तो उसको उसको सही करना पड़ेगा। अच्छा और पूछो बस। और एक वो पूछना था मुझे कि ये जो मन बनता है हमारा आज का वो कैसे बनता है और अगला मन हमें शुद्ध करना है तो ये जन्म में कर सकते हैं कि वो अगले जन्म में ही होगा। मेरे ख्याल से आपने ज्ञान नहीं लिया है खाली ऐसे ही बिठा दिया होगा किसी ने। आप जिससे प्रश्न करते हैं अल्ताफ जी क्या बोलते हैं जी? हाँ अल्ताफ जी क्या बोलते हैं आपने ज्ञान लिया नहीं है इस तरह का प्रश्न करते हैं। अगले मन है और पहले के मन ये जिस तरह से बात करते हैं कहने के वो दादा की जो जो अच्छी जो रसोई बनाई है इसमें कहने के अपना मरी मसाला डाल देते हैं। क्योंकि भाव मन तो उड़ी जाए ने इट्स ऑलरेडी गॉन। हाँ हिंदी में बोलो अल्ताफ जी। हिंदी में डिफिकल्ट पड़ती है क्योंकि मैं गुजराती हूँ। हिंदी गुजराती मिक्स बोलने का इंग्लिश में आई कैन टॉक इन इंग्लिश। इंग्लिश मेरे को नहीं आता है। ओहो ओके आ तो શું કહું છું કે આપણે ભાવ મન તો ઉડી જાય છે ને જ્ઞાન મળે છે ત્યારે। હા બરાબર બરાબર હા તો એની તો વાત ને દ્રવ્ય મન તો ખાલી જોવાનું છે બરાબર છે તો એ એ એ એ દક્ષેશ શું કહેવા ચાહતા હું હા કે આપને એ દાદાજી કા જો સહી તરહ સે અભી અભ્યાસ નહીં કિયા હે और ये जिस तरह से ये परिचय भी थोड़ा सत्संग का आवश्यक बनता है। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो ये जो मन जो है तो ये दादाजी ने आपने ज्ञान लिया तो ये आप कभी मैं मन वचन का आया दक्षेश और दक्षेश के नाम की सर्व माया भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सूचरण में समर्पित करता हूँ ये सभी हो गया। हाँ। मन आपने समर्पित कर दिया। बात समझ में आने ये भाव मन चला गया वास्तव में क्या समझाएं अभी ये मन नहीं है अग्नि है और आप ज्ञाता हो गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय मन वचन का है वो सब नहीं हो गए आप ज्ञाता हो गए। समझ गए फिर भी मन की मन कैसे बनता है देखिए ओपिनियन इज द ओपिनियन इज द फादर ऑफ माइंड और लैंग्वेज इज द मदर ऑफ माइंड। तुम्हारे ले ओपिनियन ये मन का फादर है और लैंग्वेज भाषा है वो मन की मदर है तो ओपिनियन होगा लेकिन भाषा में नहीं आएगा तो मन नहीं बनेगा। भाषा होगी लेकिन ओपिनियन में नहीं आएगा तो मन नहीं बनेगा। अच्छा अभी अभी आपका ओपिनियन कैसा होगा आपकी भाषा कैसी होगी बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं दक्षेश हूँ बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है यानी आपकी भाषा भी सही हो गई और आपका ओपिनियन भी सही हो गया। दक्षेश बात समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीका है जो क्रमिक में जो करते हैं अपने अपने ब्राह्मण में करते वो विधि विधान वाला भाग नहीं है यहाँ साइंस है। एक प्लस और एक इज इक्वल टू 11 नहीं होता है। बराबर 1 + 1 = 2 11 नहीं होता है। तो साहिब जी ये जो आज का मन डिस्चार्ज हो रहा है हाँ। वो पहले से ही बन गया है लाइक लास्ट बर्थ में बन गया है वही हाँ, पहले का वही है समझ में आने
और अभी दादा का, दादा का आप ये जो पहले का संयोग आता है आपको फल देने को संयोग आता है, उसमें आप पांच आज्ञा के रूप में पांच आज्ञा जो है उस उसमें वो ये संयोग को देख लेते हैं, जान लेते हैं और उसके ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, तो फिर ये मन का विलय हो जाता है। अच्छा, और ये जो बोलते हैं ना कि हमारे कोई ओपिनियन नहीं है लेकिन भाव बनता है, जैसे कि कोई ज्ञानी पुरुष सत्पुरुष का सत समागम हो और सीमंत स्वामी के चरण में हमारा स्थान हो, तो ये सब हमारे जो भाव बनते हैं, किसी को दुख नहीं देना है, बराबर है, तो ये सब जो ये हमारा विचार है कि भाव है, कैसे पता चलेगा? तो के ये क्या है, आप शुद्धात्मा में रह के ये करते हैं, दक्षिण में रह के करते हैं तो भाव बोला जाएगा, और आप शुद्धात्मा में रह के दक्षिण के पास मंगवाते हैं तो उसको स्वभाव बोला जाएगा। अच्छा, बात समझ में आया? भाव नहीं बोला जाएगा आपने। अच्छा। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, वो सभी आपको दादाजी ने दे दिया है, अभी भाव कर्म। अच्छा। नहीं है, स्वभाव है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, शुद्धात्मा में पहले मैं दक्षिण हूँ वो बिलीफ में रह के व्यवहार करते तो उसको भाव और अभाव बोला जाता था, अभी मैं शुद्धात्मा और दक्षिण के पास ये सब करवाते है तो वो ये करने वाला अलग है और जानने वाला अलग है, यानी स्वभाव हो गया। अच्छा, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, स्वभाव वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये इससे आपका आपका जो नया कर्म बंद नहीं पड़ता है और पुराने कर्म में समभाव रहता है। अच्छा, तो ये बोलते हैं कि काउंटर वेट होता है, काउंटर वेट होता है, यानी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, बैलेंस करता है, जो अबव हो गया या बिलो हो गया उसको नॉर्मल करता है। अच्छा, ये सामने बोलते हैं कि प्राप्त मन वचन का ऐसे इस जगत के जीव मात्र को किंचित मात्र पर दुख ना हो, ना हो, तो वो ये आपको बैलेंस करता है, जो अबव हो गया या बिलो हो गया तो उसको नॉर्मल करता है, यानी बैलेंस करता है, स्वभाव में लाता है। दादा ने बताया कि एक साइंटिस्ट ने पूछा था कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द लाइफ, तो दादाजी ने एक ही शब्द दिया, नॉर्मलिटी। Above normal is the poison, below normal is the poison, come to normal. तो ये सामने बोलता है तो भाव नहीं है, ये काउंटर वेट है। कोई व्यवहार करना है तो ये ऑलरेडी काउंटर वेट है, उसको जैसे ये अपने अपने इंडिया में ये रुपया का महत्व है कि नहीं है? हाँ है। रुपया ने कितना पैसा, 100 पैसा, बात समझ में आने? लेकिन ये रुपया का डॉलर के सामने कितनी वैल्यू है? 0.05। और डॉलर के सामने रुपया की वैल्यू कितनी है? 47 रुपीज और 50 रुपीज। समझ में आने? तो फिर ये डॉलर है तो पाउंड के साथ, ये रुपया है तो पाउंड के साथ इसकी वैल्यू कितनी है? 59, 60। तो ये पाउंड के साथ रुपया की वैल्यू की थे, ये बैलेंस करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अच्छा, ये भाव नहीं है, ये बैलेंस करते हैं, ये न्यूट्रल बनाते हैं, जो अबव हो गया बिलो हो गया उसको न्यूट्रल बनाते हैं। तो ये जो विचार को देखते हैं, बोलते हैं कि विचार को देखते रहना, तो वो कैसा होता है, कैसे करते हैं, और ये विचार आ रहा है एक ही भाव हो रहा है कैसे, वो कभी पता नहीं चल रहा। आपके यहाँ पेपर वाला आता है, दूध वाला आता है, तो क्या करते हैं? आपको महीने के बाद आता है तो क्या करते हैं? उसको हिसाब देते हैं। तो ये देखा नहीं आपने? नहीं देखा आपने? देखा तुरंत ही, एक भी ये दूध वाला है तो भी महीने का हिसाब देना है, बस हो गया। इस तरह का देखने का होता है विचारों को भी। अच्छा अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब उसमें ये दूध वाला का हिसाब मालूम पड़ता है, लेकिन ये विचार का हिसाब इस तरह का ही है कि और कुछ है? लेकिन कभी क्या होता है कि कल क्या करना है वो विचार है, बराबर बराबर, तो उसका हमें एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा ना। हाँ। उसको देखते रहेंगे तो फिर एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो ये देखने में और जानने में एग्जीक्यूशन होगा, करने में एग्जीक्यूशन नहीं होगा।
जितना देखना जानना है उसको ज्ञान क्रिया बोलते हैं, दर्शन क्रिया और ज्ञान क्रिया बोलते हैं, समझ में आने। और आप आप, 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 आप प्लानिंग करेंगे, समझ में आने, उसको अज्ञान क्रिया बोलेंगे, उस हिसाब से नहीं होगा। जितना देखने की क्रिया होगी, जानने की क्रिया होगी, उससे आपका प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। यानी दर्शन क्रिया ज्ञान क्रिया होगी तो प्रॉब्लम अपना सही होगा। ये तो बुद्धिशाली जो जगत है उसमें ये सब प्लानिंग की बात करने की होती है। मैं उसको एक दृष्टांत है, अभी ये मार्च महीना, अप्रैल महीना शादी का महीना है कि नहीं है? हाँ है। तो दक्षेश की शादी करनी है तो एक एक दो दिन में हो जाती है कि 6-7 महीने की तैयारी करनी पड़ती है? तैयारी करनी पड़ती है। अब तैयारी करनी पड़ती है, अब शादी आ गई, बात समझ ना, तो पिताजी को 5-6 महीने की तैयारी करनी पड़ती है, शादी का दिन भी आ गया, बराबर के नहीं? अब दिन भी आ गया, चल गया, एक एक कुर्सी पे बैठ के सोचेगा ना कि ये सब लगन का ये सब प्रसंग पूरा हो जावे, फिर मैं 2 दिन घर जाऊंगा, सो जाऊंगा, उठूंगा भी नहीं, स्नान भी नहीं करूंगा, खाऊंगा भी नहीं, 2 दिन पूरा सो जाऊंगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ बराबर है, क्यों? कि 5-6 महीने से दौड़ धूप किया है, आपाधापी की है, सब ऐसा विचार आएगा कि नहीं? आधा फंक्शन होने के बाद आएगा। अब ये सब हो गया, पूरा भी फंक्शन हो गया, घर पे गए, अब दक्षेस का घर एक रूम का ही है, पिताजी का घर, अब जैसे दरवाजा खोला और जैसे आप एंटर होते हो, साथ में सांप एंटर होते हैं, अब निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो घुस जाता है, और ऐसी जगह घुस जाता है और निकलेगा नहीं, तो अभी 6 महीने तक आपने जो दौड़ धूप किया है, तो अभी नींद करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, जागने के लिए कुछ करना पड़ेगा? 6 महीने की थकान है फिर भी जागेंगे? किस हिसाब से? कोई प्लानिंग किया गया आपका दर्शन ज्ञान के हिसाब से हुआ है? दर्शन ज्ञान के हिसाब से कोई प्लानिंग नहीं है। हाँ बराबर। अब 6 महीने का थकान है फिर भी नींद नहीं आएगी? नींद की गोली लेंगे तो भी नींद नहीं आएगी? सक्सेस बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ये नींद की गोली लेगा तो भी नहीं आएगा, लेकिन 2 घंटे के बाद आपकी नजर में आएगा कि सांप धीरे से बाहर निकल रहा है दरवाजे की ओर गया, और करते करते आधा दरवाजे से निकल गया, अभी आधा बाकी है, फिर निकल गया, खड़े होकर दरवाजा बंद कर देंगे, अभी सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ेगी, जैसे पड़े और नींद आ जाएगी, जैसे ही नींद आ जाएगी। तो किससे हुआ? कोई प्लानिंग किया गया? आपका दर्शन ज्ञान सही हुआ उस हिसाब से हुआ? दर्शन ज्ञान से हुआ। तो अभी आपके वहां कॉकरेच क्यों है मालूम हो गया कि नहीं आया? कि कर अभी जो चीज के कर्ता नहीं है उसके कर्ता बने, यानी सूक्ष्म हिंसा है, बराबर, सूक्ष्म कसाय है, समझ में आया ना? तो ये कहने के ये ये विचार को देखने वाले जानने वाले नहीं है, कहने के ये कोई भी चीज के नहीं देखने वाले नहीं समझने वाले कर्ता भोक्ता बन गए। अच्छा, बात समझ में आया? सीधा ही दृष्टांत है ये, यहाँ दर्शन क्रिया और ज्ञान क्रिया एक्टिव हुई, इसमें हुआ, कुछ प्लानिंग करने की जरूरत नहीं रहती है। तो अहंकार होता है, बुद्धि होती है, वहां प्लानिंग होता है, यहाँ अहंकार बुद्धि नहीं होती है, वो साइंटिफिक शक्ति वो चलाएगी, व्यवस्थित शक्ति आपका चलाएगी, आपको नहीं चलाने का। लेकिन आज भी अभी विश्वास नहीं है, आज भी ऐसा लगता है कि मेरे को तो करना पड़ेगा, दादा तो बोले और दादा तो चले गए, लेकिन हम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो करो, जब थक जाओ तब आना दादाजी के पास, तब तक प्लानिंग करते ही रहो सक्सेस जी। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। समाधान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी हुआ। हाँ, और दीपक जी क्या बोलते हैं? दीपक आनंद जी, ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ज्ञान जी बोलिए। जय सच्चिदानंद साहेब। जय सच्चिदानंद। कौन? ज्ञानमल सूर्या भिलवाड़ा। ज्ञानमल सूर्यामल जी बोलो। सूर्या जी, साहेब ज्ञान लेने के बाद में अच्छे भाव होते हैं। हाँ। वो भी भ्रांत पुरुषार्थ है। हाँ भ्रांत पुरुषार्थ है, और ज्ञाता दृष्टा ही सच्चा पुरुषार्थ है, सही पुरुषार्थ है। ये अभी ये मैंने बताया ना शादी वाला भ्रष्टांत। हाँ, वो सच्चा पुरुषार्थ रिलेटेड इसी से है। तो भाव व निश्चय में फर्क बताने की कृपा करें, क्योंकि भाव तो वो
स्वतः ऑटोमेटिक हो ही जाते हैं, तो उसमें निश्चय में कैसे कॉम्बिनेशन करना है? निश्चय क्या होता है, निश्चय को आपको एक क्रमिक मार्ग का निश्चय अलग टाइप का होता है, जैसे दक्षेश ने बताया उस तरह का है, समझ में आने? लेकिन अपने अक्रम विज्ञान का निश्चय समझना है बराबर, तो वही जैसे ये पहले क्या बोलते थे, मैं ही ज्ञान मल जीव हूँ बराबर, तो इसको निश्चय बोला जाता है। तो उसे चार गति और 84 लाख ज्वनि बन गई, यानी व्यवहार बन गया बराबर। अब दादाजी ने वहां शंका करवाई कि आप ही ज्ञानमल जी है कि आपका नाम ज्ञानमल जी है? नाम ज्ञानमल है, ठीक है, आपका नाम ज्ञानमल जी है, आप ज्ञानमल जी नहीं है बराबर, समझे ने? तो कि आप कौन है? तो फिर दादाजी ने आपको हाथ में दे दिया कि भाई आप शुद्धात्मा है। तो जैसे ही आपको शुद्धात्मा हाथ में दे दिया तो ज्ञानमल जी क्या हो गए, बाय रिलेटिव विपर्यंसेट ज्ञानमल जी हो गए, और बाय रियल विपर्यंसेट शुद्धात्मा हो, शुद्धात्मा और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति हो गई करने वाली। तो ये जो इक्वेशन बना उसको निश्चय बोला जाएगा बराबर। आप जो नक्की करते उसको निश्चय नहीं बोला जाता है, बाय रिलेटिव में ज्ञानमल जी हुए, सही वाक्य है कि गलत वाक्य है? सही है, वो 50% सही है कि 100% सही है? 100%। और बाय रियल विपण से मैं शुद्धात्मा हूँ, वो सही वाक्य है कि गलत वाक्य है? सही है, वो 25% सही है कि 75% सही है? 100%। तो जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है वो सही है कि गलत है? सही है। तो ये 100% गलत है कि 100% सही है? 100% सही है। तो ये व्यवहार को निश्चय बोला जाएगा, और वो निश्चय के हिसाब से आपका व्यवहार बनेगा, यानी शुद्ध व्यवहार, आप यानी नया ज्ञानमल जी बनेंगे बराबर। आप निश्चय की बात करेंगे वो अलग चीज है, दादा की निश्चय की बात अलग है, बाय रिलेटिव रूप से मैं ज्ञानमल जी हूँ, बाय रियल रूप से मैं शुद्धात्मा हूँ, और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला वो निश्चय हो गया। उस हिसाब से फाइलों का संभव से निपटारा करना नहीं पड़ेगा, ये चालू हो जाएगा, और शुद्धात्मा भाई के खाता में रकम भी जमा होने चालू हो जाएगी। दोनों निश्चय निश्चय भाई खाता में रकम जमा होने चालू हो गए ने, तो दरअसल दादा भगवान का निधि ध्यासन खुला होगा, फोटो वाला नहीं, दरअसल दादा का निधि ध्यासन करते मैं शुद्धात्मा शुद्धात्मा करके सो जाएंगे, एक दो अवतार में मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। क्या बोलते हैं ज्ञानमल जी? हाँ, मैं यहाँ सर पूछ रहा था कि निश्चय जो आपने दोनों बताया, कोई उदाहरण देके कोई दाखला देके बताएंगे सर? ये मैंने बताया ना भाई, रिलेटिव पॉइंट वो निश्चय सही नहीं है। हाँ, वो तो ठीक है, दूसरा निश्चय बताता हूँ मैं, दूसरा निश्चय बताता हूँ। हाँ सर, तो के आप ये आपको ये दुनिया को जगत को कितनी बड़ी मानते हैं? बहुत बड़ी मानते हैं, वो निश्चय बोला जाएगा। और ज्ञानी पुरुष जगत को कितना मानते हैं कि जगत में दो ही चीज है, बहुत बड़ी नहीं, दो ही चीज है, एक आत्मा और दूसरा संयोग। संयोग आत्मा परमानेंट है और संयोग टेम्पररी है। वो क्या कहना चाहता है ज्ञानमल जी? आत्मा परमानेंट है और संयोग टेम्पररी, वो क्या कहना चाहता है? सही है सर। देखिये, वो ऐसा कहना चाहता है कि ज्ञाता दृष्टा जो दरअसल पुरुष भक्त चालू हो गया, पुरुषार्थ चालू हो गया आपका बराबर, वितरागों का पुरुषार्थ यानी दर्शन क्रिया और ज्ञान क्रिया, उसको पुरुषार्थ बोला है, करो उसको पुरुषार्थ नहीं बोला है, उसको तो बैल बोला है या ना गधा भी बोला है। और देखना और जानना, ज्ञान क्रिया और दर्शन क्रिया को भगवान की भाषा में, वितरागों की भाषा में पुरुषार्थ बोला गया है। तो अपने तो इतना बड़ा जगत बोलते हैं, दादाजी ने इतना बड़ा जगत को खाली दो ही शब्द में दे दिया, आत्मा और संयोग। संयोग परमानेंट है और संयोग टेम्पररी है, कितना बड़ा निश्चय हो गया। निश्चय तो मेन है ही यार, बाकी तो दोनों परमात्मा पद प्राप्त हो जावे ऐसा निश्चय हो गया। कैसे सर? परमात्मा पद प्राप्त हो जावे ऐसा निश्चय हो गया बराबर, सही बात है, समझ में आने? और मैं ही ज्ञानमल जी हूँ, तो चार गति 84 लाख योनि वाला निश्चय हो गया, अपने आप मिल जाएगा वो कपड़े। अब तो वो रहा ही नहीं ना साहब? नहीं रहा ही नहीं, लेकिन निश्चय की परिभाषा मैं आपको देता हूँ, ये निश्चय क्या बराबर है। वो अनिश्चय का निश्चय था, मैं ज्ञानमल जी हूँ अनिश्चय का निश्चय था, और मैं शुद्धात्मा हूँ और बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं ज्ञानमल जी हूँ,
और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है वो दरअसल निश्चय का निश्चय हुआ। बराबर, यानी दोनों का अस्तित्व स्वीकार किया, शादवाद हुआ, एकांतिक नहीं हुआ, शादवाद हुआ। बाय रिलेटिव विपण से मैं ज्ञानचंद जी हुए, बाय रियल विपण से मैं शुद्धात्मा हूँ। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है, यानी वैज्ञानिक सहयोगी पुरावा। बराबर, यानी स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम और चेतन सब इकट्ठे होता है तब एक चीज बनती है। बराबर, तो उससे आपका कर्ता भाव निकल गया, कर्ता भाव निकल गया यानी भोक्ता भाव निकल गया, और कर्ता भोक्ता भाव निकल गया यानी ज्ञाता दृष्टा हो गया, ज्ञाता दृष्टा हो गया यानी भगवान का दरअसल पुरुषार्थ खुला हो गया। बराबर ज्ञानचल जी, बराबर ये निश्चय बोला जाता है। तो ये निश्चय की परिभाषा किसी ने नहीं दी है। बराबर, सब मैं हूँ ऐसे करके निश्चय की परिभाषा की। अब मैं आत्मा हूँ, अभी तू आत्मा है लेकिन बिलीफ में तो है ना, मैं जय मेसू, तो कैसे आत्मा बन पाएंगे। बराबर, गधे का पूछ पकड़ के रखेंगे तो गधे लाता लात करेंगे तो लोही लुहान हो जाएंगे। बराबर, तो दादा ने ऐसा नहीं किया, गधे का पूछ नहीं पकड़ाया, हठ योग नहीं कराया, दादा ने सहज योग करवाया। बाय रिलेटिव विपण से मैं ज्ञानचंद जी, बाय रियल विपण से मैं शुद्धात्मा हूँ। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है, यानी सहज योग खुला किया। बराबर, बाहर सहज योग नहीं है, हठ योग है। जब शादी करते हैं तो वहां उसको सुख लगता है, फिर वहां दुख लगता है, तो बाबा बन जाता है और संयमी बन जाता है, लेकिन दोनों हठ योग है। बराबर, दादा ने केवल आपको सहज बनवा दिया, सहज बना दिया और सहज योग दे दिया। बराबर, सहज योग जहाँ होता है वहां दरअसल निश्चय होता है। बराबर, और हठ योग होता है जहाँ दरअसल निश्चय ही होता है, चार गति और 84 लाख योनि वाला निश्चय बनता है। बराबर, यहाँ मल की बात समझ में आया कि नहीं आया? सही है सर। जय विजयानंद जी, हाँ बोलो। अपना टाइम हो गया है, अभी 4:30 बजे कीर्तन भक्ति भी है ना, इसीलिए बुलाइए। ज्ञानमल जी आप बोलिएगा साथ में, उनके साथ फॉलो करना। हाँ साहब, हाँ जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आय रियाणम, नमो आय रियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सर्वसाहूणम, नमो लोये सर्वसाहूणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सर्वपावपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।